थाना हाईवे में न्याय की गुहार लगाने आई ये महिला चाणकपुरी कॉलोनी की रहने वाली नीतू शर्मा है, जिसने अपने पति पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया, लेकिन ससुराली जनों के ऊंचे रसूख के चलते उसके पति और ससुराली जनों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद से पीड़िता लगातार न्याय पाने के लिए थाने के चक्कर लगा रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके ससुराली जनों द्वारा थाने पर अच्छी खासी रकम पुलिस कर्मियों को दे दी गई और पैसे के रसूख के चलते पुलिस ने उन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति और ससुरालियों द्वारा उसे जान से मारने की नियत से उसके साथ मारपीट की गई। घटना को लेकर पीड़िता के द्वारा संबंधित थाने में शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन थाने पर मौजूद पुलिसकर्मी पीड़िता की मदद नहीं कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराली जनों ने थाने में 2 लाख रुपए थाना प्रभारी को दिए हैं, जिसकी वजह से थाना प्रभारी पीड़िता की मदद नहीं कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि उसके ससुर द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा है। वहीं ससुर द्वारा उससे कहा गया कि थाने पर मौजूद SHO उनके रिलेटिव हैं। पीड़िता अपने ससुराली जनों से काफी भयभीत है। जी क्या नाम है आपका? नीतू शर्मा। जी कहाँ की रहने वाली हो? मथुरा चाणक्यपुरी। जी क्या समस्या है, आज थाने हाईवे में आए हो आप? पति ने मुझे मारा है, मारने की पूरी कोशिश करी है, दम घोटा है मेरा। किस चीज को लेकर? अपने मन से मारा है, मेरी कोई उनसे कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा थाने हाईवे में आपने कंप्लेंट दी थी। इन लोगों ने कार्रवाई की? इन लोगों ने ये घर पर आए थे जी। अभी मुजरिम को अंदर नहीं किया? मुजरिम को अंदर नहीं किया, ये बोलते हैं कि हमारी इतनी ऊंची पावर है, हमने सबको पैसे खिला दिए, हमारी सब पॉकेट में बैठे रहते हैं, तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगी तू बस। तो इसने पूछा इस पर अच्छा के पावर वालों की चलती है, गरीब लोगों की नहीं सुनवाई होती है? उन्होंने बोला हम अपना काम कर रहे हैं जी। उन्होंने बोला हम बिल्कुल निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगी तो हमारा ARTO है मेरे ससुर जी जी रिटायर्ड, उन्होंने बोला कुछ। और अभी उन्होंने बोला कि हमने SHO को 2 लाख रुपए दे भी दिए। इंस्पेक्टर को 2 लाख रुपए दे दिए SHO को? हाँ। हमारा एटा का है, हमारा जानकार है, तुझे जो करना है तो वो कर ले। अच्छा SHO को हमने 2 लाख रुपए दे दिए, ये किसने बोला? उन्होंने ससुर ने बोला। तुम्हारे ससुर ने बोला है? हमने सबकी पॉकेट भर दी, हमारे पॉकेट में रहता है। अच्छा आप ये थाना आई भी हमारी पॉकेट में, मैंने पॉकेट भर दी उन लोगों की? जी जो आपके आँख, मेरे पति फरार है मौका वारदात से, मुझे मार करके मेरे पति और मेरे जेठ अब तक घर पे नहीं आए हैं। जो आँख पे जो निशान है, ये किस चीज के से मारा गया था आपको? नुकुली चीज है, पता नहीं। नुकुली किससे मारा है? मुझे दीवार से सिर मारा है, लाश से मारे हैं, मेरा दम घोट दिया है।